हेलो गाइज, मैं विकास आपका दोस्त स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडियन क्रिप्टो आईसी में। गाइज, आज हम एक ऐसे क्वाइन को लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है जैस्मी क्वाइन, और कहीं ना कहीं उसकी अगर जो प्राइस देखी जाए तो 347 रुपये का ऑल टाइम हाई है, और करंट प्राइस की बात कर ली जाए तो पॉइंट के बाद 2.056 की सीरीज चल रही है। तो नेक्स्ट बुल रन में क्या चीज़ें हो सकती है इसके साथ, आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और वहीं पर आज हम बात करेंगे कि रसिया यूक्रेन वार जो है वो फिर से तेज हो गया है, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है क्रिप्टो मार्केट पे। वजीर एक्स ने अपना फैसला बदल दिया है, क्वाइन को डिलीट नहीं करेगा, वो कौन कौन से क्वाइन है। लेकिन दूसरा जो फैसला आया है उन्होंने ये कहा है कि अब हम 6 क्वाइनों को डिलीट करेंगे, वो कौन कौन से 6 क्वाइने हैं उसके बारे में विशेष बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे बिटकॉइन 2013 चार्ट के बारे में, क्या क्या चीजें हुई थी 2013 में बिटकॉइन के साथ जनवरी से लेकर दिसंबर में। वहीं पे हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है 2023 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो ये जो वीडियो है काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्त, बिना देर करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं यहां क्रिप्टो के रिगार्डिंग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट्स देता रहता हूं। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हम सबसे पहले BTC की प्राइस के बारे में बात कर लें। तो BTC का जो प्राइस है वो लगभग $24,000 को टच कर लिया है, ये एक बहुत बड़ी न्यूज है BTC को लेकर। वहीं पे पिछले 24 घंटे में अगर जो परसेंटेज की बात कर लें तो 3.11% की पंपिंग दिखाई है BTC। और रात में जो FOMC की मीटिंग हुई और कल जो बजट पास हुआ उससे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा BTC और क्रिप्टो मार्केट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप बना हुआ है और बिटकॉइन लगभग 3.11% की वृद्धि भी दिखा रही है। इसके साथ सारे क्वाइन जो हैं वो कुछ न कुछ परसेंट पंप किए हैं। मार्केट कैप की बात कर ली जाए तो 3.8% मार्केट कैप भी इंक्रीज हुआ है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज है। वहीं पे चलते हैं अब हम जैस्मी क्वाइन की तरफ, कि जो इसका प्राइस है कहीं ना कहीं 347 रुपए के लेवल को छू करके आया है, क्या ये नेक्स्ट बुल रन में 347 रुपए जा सकती है। अभी इसकी प्राइस जो है वो बेहद कम है, 1 रुपए से भी बहुत कम है। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसकी थोड़ी सी बेसिक डिटेल के तरफ। तो इसकी हम अगर जो करंट प्राइस की बात कर लें तो पॉइंट के बाद 2.056 की सीरीज चल रही है डॉलर में, और ऑल टाइम हाई की बात कर लें तो $5 के ही अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है। वहीं पे मार्केट कैप की बात कर ली जाए तो $262 मिलियन का मार्केट कैप है, और रैंक की बात कर ली जाए तो 134 नंबर पे बना हुआ है 262 मिलियन मार्केट कैप लेकर। वहीं पे सर्कुलेटिंग सप्लाई की अगर जो हम इसकी बात कर लें तो 46 बिलियन टोकन इसके सर्कुलेट है मार्केट में बर्न के लिए। तो गाइस, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जैस्मी क्वाइन बुल रन में क्या क्या चीजें कर सकता है। तो सबसे पहले जो टॉपिक मैंने लिया है कि जैस्मी क्वाइन जो है वो किस बेसिस पे वर्क करता है, किस ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। तो गाइज, यहाँ पे जो बिल्ड है वो ERC20 पे बिल्ड है जैस्मी क्वाइन, और अगर जो यूज केस की बात कर लें तो ट्रांसफर टोकन बिटवीन डिवाइस एंड पेमेंट फॉर नेटवर्क सर्विस। यहाँ पे जो टोकन ट्रांसफर हुए उनके बीच, डिवाइस और पेमेंट के बीच में जो प्रोसेस हुआ, इसका यूज केस है, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा यूज केस है। वहीं पे अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं कि जैस्मी कब तक होल्ड करें, क्या जैस्मी $5 तक जा सकता है। तो गाइज, इसकी मार्केट कैप अगर देखा जाए तो अभी 262 मिलियन का है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई देखी जाए तो 46 बिलियन टोकन इसके सर्कुलेट हैं। तो गाइज, मार्केट में ये क्वाइन एकाएक बहुत ज्यादा डाउन आ गया था, देख सकते हैं कि $5 से पॉइंट के बाद 2.0 इसमें जुड़ गए हैं। तो यहां से हम इंपैक्ट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट बुल रन होगी वहां पे लगभग इसकी प्राइस, आपको इंडियन रुपीज में बात करें तो 8 से लेकर 10 रुपए तक की प्राइस काफी आसानी से छू सकता है जैस्मी क्वाइन। इससे ज्यादा हम इंपैक्ट नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट बुल रन में। मैं कोई झूठी हवाला आपको नहीं दूंगा कि ये फाइनली $5 को भी क्रॉस कर जाएगा या $10 चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, जो चीजें यहां पे दिख रही है, इसका मार्केट कैप आने वाले, जैसे जैसे मार्केट की सिचुएशन अच्छी होगी उस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो 8 से लेकर 10 रुपए का लेवल जो है वो काफी आसानी से छू सकता है। यानी कि डॉलर में अगर ये बात कर ली जाए तो पॉइंट के बाद 1-2 का सीरीज जो है डॉलर में वो छू सकता है जैस्मी क्वाइन, यदि आप इसको लंबे समय के लिए
होल्ड करते हैं तो आप इसकी ATH के देखकर क्वाइन को बाई मत कर लीजिएगा, ज्यादा पैसे इसमें मत इन्वेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वाइन है एकाएक बहुत ज्यादा डाउन आ गया है। ये चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। यदि चाहते हैं कुछ प्राइस को इन्वेस्ट करना तो आप छोटी मोटी प्राइस यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा प्राइस को यहाँ इन्वेस्ट मत कीजिएगा। और वैसे किसी भी क्वाइन में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। वहीं पे जो अगला टॉपिक है कि जैस्मिक कहाँ से बाई कर सकते हैं, तो गाइज बाई करने के लिए आपको बाइनेंस पे मिल जाएगा, और आपको क्वाइन स्विच कुबेर पे मिल जाएगा, क्वाइन DCX पे मिल जाएगा, सन क्रिप्टो पे मिल जाएगा। ये जो क्वाइन है वो बहुत जगह पे लिस्ट है, तो यहाँ से आप काफ़ी आसानी से इस क्वाइन को बाई कर सकते हैं। वहीं पे जो अगला टॉपिक है कि रसिया और यूक्रेन फिर से युद्ध तेज हो गया है, क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है क्रिप्टो मार्केट पे, तो 100% पड़ सकता है। जब इसका युद्ध स्टार्ट हुआ था तो आपने देखा होगा 2022 के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जो पूरा महीना था, कहीं ना कहीं क्रिप्टो को धीरे धीरे नीचे की तरफ धकेल दिया था, तो फिर से ये युद्ध जो है वो तेज हो गया है। तो यहाँ पे आप किसी भी क्वाइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 दफा सोचिएगा, क्योंकि ये जो युद्ध है इसके कारण मार्केट में आपको गिरावट देखने को जरूर मिल सकती है। वहीं पे जो अगला टॉपिक है वजीरेक्स को लेकर है कि वजीरेक्स ने अपना फैसला जो है वो बदल दिया है, अब वो क्वाइन को डिलीट नहीं करेगा, और फाइनली 11 क्वाइन जो ऐसे हैं जिसको वो डिलीट नहीं कर रहा है। वो कौन कौन से क्वाइन है, तो SC क्वाइन है, पॉलीएक्स है, XBG है, और CTXC है, आपका REI है, BTS है, ARDR है, मीना क्वाइन है, और SXS क्वाइन है, HIVS क्वाइन है, और स्टीम क्वाइन है। ये जो क्वाइन है 11 क्वाइन, फाइनली इसको अब डिलीट नहीं करने वाला है। इसका डिलीट न करने का रीजन एक ही है गाइज, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्विटर पे इस चीज़ को ट्रेंड कराएं कि एकाएक जो है एक्सचेंज इतने क्वाइन को क्यों डिलीट कर रहे हैं, ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो फाइनली वजीरेक्स को फैसला बदलना पड़ा, और वहीं पे 2 फरवरी को 6 क्वाइन को डिलीट कर दिया। वो कौन कौन से क्वाइन थे, तो ACM, JOE, स्ट्रेक्स, रे, ARK, AION, ये जो क्वाइन थे इनको फाइनली 2 फरवरी को डिलीट कर दिया गया है वजीर एक्स एक्सचेंज से। वहीं पे जो अगला टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि BTC 2013 का ये चार्ट है कि 2013 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक बिटकॉइन जो था वो कहाँ था, कैसे कैसे इसके रास्ते थे। कहीं ना कहीं जो 2023 है इसी के बेसिस पे वर्क कर रहा है। जिस तरीका का अभी से बिटकॉइन ने परफॉर्मेंस दिखाना चालू किया है वो साल जो है 2013 से 100% मैच कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि 2013 में जनवरी की जो प्राइस थी वो क्या थी, तो यहाँ पे $13 इसका प्राइस था। अगर ये फरवरी की बात कर ली जाए तो $20 इसका प्राइस हो चुका था, और मार्च की बात कर ली जाए तो $34 का हो गया था, और अगर ये अप्रैल की बात कर ली जाए तो $104 बिटकॉइन का दाम हो गया था अप्रैल 2013 में। और वहीं पर अगर जो हम मई की बात कर लें तो मई में $116 पे पहुंच गया था अपना बिटकॉइन, और अगर जो जून की बात कर ली जाए तो $128 पे पहुंच गया था। और जून के बाद जो जुलाई का महीना आया यहां पे बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिला बिटकॉइन में, और वो फाइनली $84 पे इसकी प्राइस को ले जाकर खड़ा कर दिया। लेकिन बिटकॉइन फिर भी नहीं रुका, अगस्त के महीने में फिर से दोबारा ये जो है उठने का प्रयत्न किया, और $96 तक इसकी प्राइस अगस्त में गई। और अगस्त के बाद सितंबर में अगर ये बात कर ली जाए तो सितंबर में इसका प्राइस लगभग $130 पे वापस जो है स्थापित हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सितंबर में 130 और जून में आपका जो है वो $128 से नीचे आ गया था। तो सितंबर का महीना यहाँ पे रिकवर हो गया, मात्र 2 से 2.5 महीने में ये रिकवर कर लिया। वहीं पे अक्टूबर की बात कर ली जाए तो अक्टूबर में लगभग $127 पे ये ट्रेड कर रहा था, और वहीं पे अगर जो नवंबर में बात कर ली जाए तो $202 पे आ गया नवंबर में, और दिसंबर की बात कर ली जाए तो 2013 का जो टॉप बुलरन बना था वो दिसंबर महीना बना था, और फाइनली $948 इसकी प्राइस पहुंच गई थी। मात्र 11 महीने में आप देख सकते हैं कि $13 से $948 के लेवल को छू लिया था बिटकॉइन। तो बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टोकरेंसी है जिसके बेसिस पे पूरी दुनिया की क्वाइन जो है वर्क करते हैं, और पूरी दुनिया की क्वाइन जो है बिटकॉइन के पीछे पीछे ही रहता है। तो बिटकॉइन आने वाले या फिर
इन फ्यूचर कभी भी स्कैम्स नहीं हो सकता है। यदि आपका फंड बिटकॉइन में है तो 100% सेफ है, सुरक्षित है, बशर्ते आपको यहाँ पे किसी भी तरीका का पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना होता है। यदि आपने बिटकॉइन मार्च अप्रैल 2022 में खरीदा होगा तो यकीनन आप भी लॉस में होंगे, लेकिन आपका लॉस जो है वो 100% रिकवर होगा। आप किसी भी प्रकार के पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके क्वाइन को सेल करने के बारे में मत सोचिएगा, वरना आप हेवी लॉस का शिकार हो सकते हैं। तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 2023 में धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो साल 2013 यहाँ पे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। भले ही 2023 में आपको यहाँ पे बिटकॉइन में बुलरन देखने को न मिले, लेकिन 2024 के अंत तक बिटकॉइन आपको एक अलग ATH निर्माण करके जरूर देने वाली है। तो अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पे आप SIP इन्वेस्टमेंट कीजिएगा बिटकॉइन में। बिटकॉइन सेफ है, बिटकॉइन पूरी क्रिप्टो करेंसी की मदर क्रिप्टो करेंसी है। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ क्रिप्टो के रिगार्डिंग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट्स देता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वाइन की नेक्स्ट अपडेट को लेकर, तब तक के लिए अपने दोस्त विकास को इजाजत दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।